वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। Action. So, hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. तो आज व्लॉग में हम जाने वाले हैं नानकपुर गुरुद्वारा साहिब, वो भी अमृत वेले के अंदर। तो चलिए आपको अमृत वेले के गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं। मेरे साथ है मेरा ब्रो दीप सिंह गुलाटी और हम दोनों जाने वाले हैं। अचानक ही हमारा प्लान बन गया तो अमृत वेले के दर्शन करते हैं, हम भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं, पटका बांधते हैं। तो गाइस पटका मैंने बांध लिया, अब शूज वगैरह उतारते हैं। गाइस शूज कार में उतारे या वहां उतारे, बता भाई। वहीं उतारते हैं और क्या, यहां से फिर पैरों नंगे जाएगा यार। यहां पे ना वो क्या कहते हैं मिट्टी बहुत है यार। अच्छा पैर गंदे हो जाएंगे फालतू। चलो ठीक है गाइस, शूज अपने गुरुद्वारा साहिब में उतारेंगे, चलो चलते हैं। अब आपसे सीधा मिलते हैं गुरुद्वारा साहिब में। तो गाइस गुरुद्वारा साहिब हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम अंदर ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, बस आपको वीडियो क्लिप्स दिखा पाएंगे, आप देख लेना। हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, अगर हो सका तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। ओके तो आप अपना डिवाइन फीलिंग लेना जैसे हम ले रहे हैं। सुबह सुबह आके बड़ा मज़ा आता है, तो आप देख लें सर। ओके मैंने भी पटका डाला, आप सोच लो मैंने गुरुद्वारे में पटका नहीं डाला तो मैं भी वहाँ जाके तो गाइस पहले मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, क्योंकि मेरे को बड़ी तेज आई है तो पहले वॉशरूम जाता हूँ। तो ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि गुरुद्वारा साहिब से बिल्कुल कोने में है। यहाँ पे आप जा सकते हैं वॉशरूम, आप देख सकते हैं ये जेंट्स का और वो लेडीज का। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब आए तो प्लीज यहाँ पे चप्पलें ना उतारे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उतारेंगे तो सेवादार आपकी चप्पल लेके वहाँ जमा करा देंगे और आपको थोड़ा डांट भी लगाएंगे कि यहाँ पे चप्पल ना उतारा करो। तो चप्पल हमेशा जोड़े घर में उतारे। ओके तो गाइस यहाँ पे दो जोड़ा घर है, एक तो यहाँ अंदर है, इसके अंदर यहाँ पे और गाइस दूसरा जोड़ा घर है ये जस्ट आप जैसी पार्किंग से निकलोगे अपनी कार लगा के तो ये राइट लेफ्ट साइड आपको मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे भी बना दिया मैनेजमेंट टीम ने, ताकि आपको सुविधा हो जाए, सहूलियत हो जाए। तो यहाँ पे दो जोड़ा घर है, ये सेकंड नंबर और वो फर्स्ट नंबर था। और ये है लंगर हॉल यहाँ का, यहाँ पे नीचे लंगर हॉल है बड़ा अच्छा, यहाँ पे साइड में प्याऊ है और ऊपर यहाँ पे ना मैरिज हॉल है। यहाँ पे आपको मैरिज की पार्टी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे केवल वेज फूड सर्व होगा, जो कि आप शायद जानते ही हो। ओनली वेज पार्टी हो सकती है यहाँ पे मैरिज वगैरह की, उसके लिए बुकिंग अंदर करवानी पड़ती है। तो गाइस लंगर हॉल में लंगर 24/7 चलता है, 24 घंटे और सातों दिन वीक के, ये अच्छी बात है बहुत। आप दो ना, आप दो ना। तो गाइस अभी जोड़े घर में कोई सेवादार नहीं थे तो हमने खुद ही अपने जोड़े रखे, और फर्स्ट टाइम विशु ने जोड़ा खुद अपना रखा और टोकन लिया। तो गाइस ये लंगर हॉल जो कि इस समय सुबह खाली है, क्योंकि सुबह अमृत वेले में कुछ कम लोग ही आते हैं। विशु बांध रहा पटका और मैंने तो पहले ही बांध लिया था कार के अंदर ही। गाइस मैं कार के अंदर ना दो तीन पटके पहले ही रखता हूँ रेडी, ताकि कल को जल्दी जाना हो या ना मिले वहाँ पटका, तो कार के अंदर हमेशा मैं दो तीन पटके रखता हूँ, एक अपने लिए येलो कलर का और एक दो दोस्तों के लिए। सही बात है ना, मस्त प्लान है। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है न्यू कड़ा प्रसाद का सेक्शन। सॉरी
भगत जना मंत्र रंग बिरला पू पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम कपलया कांति रूपम कहि न जाय नाम कहे सर्व समाय प्रभु बख्शन दीन दयाल भगत सो सदा कृपाल आकाश। तो गाइस ये है कड़ा प्रसाद वाली जगह, यहाँ से मिलेगा। वाहे गुरु 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 सो गाइज दिस इज़ द ब्यूटिफुल सरोवर साहिब ऑफ नानकपुर गुरुद्वारा। इस वाली दरी पे चलना चाहिए सरोवर साहिब में, लेकिन जो यहाँ पे सरोवर साहिब के एकदम साथ थड़ी होती है ना, यहाँ पे चलने का तो मज़ा ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ दिखती है साथ के साथ, और हमें तो बहुत बार कछुए भी दिखे हैं ना भाई विशु, हमें टर्टल्स भी दिखे हैं। हाँ बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे चलने का मज़ा बहुत अलग है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सो गाइस ये है द ग्रेट हिस्टोरिकल गुरुद्वारा नानकपुर साहिब जी का गार्डन। इस गार्डन की खास बात ये है कि यहाँ पर खुद गुरु नानक देव जी आके रहे थे, और जो लेफ्ट साइड पेयो है वो उन्होंने बनवाया। ये बात सन 1505 की है, इसीलिए इस गार्डन में परमिशन रिस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ से मिलता है कड़ा प्रसाद। हाँ तो गाइज़ अब हम मत्था टेक के आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब से, और बहुत अच्छा लगा, बड़ी डिवाइन फीलिंग आई, बड़ा मन को अच्छा सा लगा सुबह सुबह, क्योंकि हम आज फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसे सुबह गुरुद्वारा साहिब में 4 बजे। और एक बात और बहुत अच्छी हुई, जब हम आ रहे थे तो भाई जी ने हमें खुद कहा कि प्रसाद ले लो, जो कि हमें लगा नहीं था। हमें पहले डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि सुबह शायद प्रसाद ना मिले, पर हमारा दिल बहुत था, हमारा दिल था बहुत खाने का प्रसाद। तो भाई जी ने खुद ही कहा सुनो सुनो इधर आओ, मैं कहा क्या क्या हुआ बताइए, तो उन्होंने कहा प्रसाद लेके जाओगे घर, मैं कहा दे दो आप थोड़ा सा, तो ये रहा प्रसाद। चल विशु भाई खाते हैं, निकालो।
इतना टेस्टी है ये गरम गरम। आपको तो पता ही है गाइस कि गुरुद्वारे का कड़ा साहिब कितना टेस्टी होता है यार। अब थोड़ा सा हम लेके जाएंगे अपने घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए। 5 minutes later. तो गाइस कड़ा प्रसाद खा लिया फाइनली, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा टेस्टी लगा। कैसा लगा भाई तेरे को? बहुत टेस्टी लगता है और हमेशा ही लगता है। और पता है घर पे ऐसा बिल्कुल नहीं बन पाता, बिल्कुल भी नहीं बन पाता, घर पे अलग ही बनता है। केवल गुरुद्वारे साहिब में जो बनता है तो अभी भी मैं चाहता हूं, वही सबसे बेस्ट होता है। सही पकड़े हैं। तो यहाँ होता है इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रावण का मुकुट पहन लिया इन्होंने, रावण की तरह ऊपर नीचे कर ले भाई।